नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तथा सहायक शिक्षक भर्ती की आप सभी को निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। ये क्लासेस 14 मार्च 2024 से शुरू हो चुकी हैं और जो आज होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 25। तो इसके पहले आपको कुल 24 लेक्चर और मिलेंगे जो कि मैं टॉपिक टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया हूँ, जिसमें मैं कवर किया हूं नंबर सिस्टम, जिसमें कवर किया हूं सिंप्लीफिकेशन, जिसमें कवर किया हूं फ्रैक्शन, जिसमें कवर किया हूं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। नया चैप्टर है घातांक एवं करणी। नया चैप्टर कौन सा रहेगा आपका? घातांक एवं करणी। तो टॉपिक का नाम डालेंगे आप घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी इंग्लिश में बोलते हैं इंडाइसेस एंड सर्ट्स। इंडाइसेस एंड सर्ट्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। स्पेशली मेंशन किया गया है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में, तो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान चैप्टर है घातांक एवं करणी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे को आप एक बार कमेंट करिए मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर है कि नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, एक बार बताइए। फटाक से कमेंट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, आप सभी से बन जाएगा। चलिए बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें मालूम होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ इंडाइसेस। लॉस ऑफ इंडाइसेस, इंडाइसेस के या घातांक के नियम, क्लियर है कि नहीं। घातांक के नियम और सर्ट्स के नियम आपको मालूम होने चाहिए। तो बेसिकली आपको जो पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो है लॉस ऑफ इंडाइसेस, घातांक के नियम। तो मैं लिखते चल रहा हूं और आपको समझाते हुए चलूंगा, यहां से सुनिएगा। ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू दी पावर एन होगा, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए टू दी पावर एम प्लस एन। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ए टू दी पावर एम प्लस एन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सर मेरा आधार समान है, बीच में लगा है मल्टीप्लाई, तो जो पावर होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? एड हो जाएंगे। पावर को हिंदी में बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं हम लोग, ए को बोलेंगे आधार, एम और एन क्या कहलाएगा? घात। तो यदि मेरा बेस आधार समान रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई लगा रहेगा, जो घात है, जो पावर है, वो आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं लिखा a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर p, जो इसका रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा a टू दी पावर m प्लस n प्लस p। आप देख पा रहे हैं इन सभी में आधार क्या है सर? सेम है। बीच में क्या लगा है? मल्टीप्लाई। तो मैं बताया कि अगर आधार आपका सेम रहेगा, बेस आपका सेम रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई लगा रहेगा, तो इसके जो पावर होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो पहला लॉ है, पहला प्रॉपर्टी बोल दीजिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर एग्जांपल लिखा आपके पास 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 3, तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा आप बोलोगे 2 टू दी पावर 2 प्लस 3, इसका मतलब हो जाएगा 2 टू दी पावर 5, और 2 टू दी पावर 5 का मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो 2 है उसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 से 5 बार। 2 5 से 10 मत कर देना भाई, ठीक है ना, पावर में है। तो अगर पावर में रहता है तो जितनी बार लिखी है संख्या, कितने बार लिखा है? 5, तो आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे जो भी संख्या आधार में है। तो 2 है तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे 32। कितना मिलेगा? 32। इसी प्रकार अगर मैं दिया आपके पास 3 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, ऐसा दिया आपके पास, तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं सभी में बेस सेम है, और अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे 3 के पावर में कुछ नहीं दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या लगा रहता है? 1। इसको आप 0 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे वहां पास? 1। तो अब यहां पे ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा यहां पास से? तो आप बोलोगे 3 टू दी पावर 5, और 3 टू दी पावर 5 का मतलब क्या होगा?
जो थ्री है सर उसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है मेरे को, पांच बार, तीन गुणित तीन गुणित तीन गुणित तीन गुणित तीन। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 243। तो ये पहला लॉ आपको क्लियर हो गया होगा, यदि सर बेस सेम होगा बीच में मल्टीप्लाई लगा होगा तो इसके जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। ये पहला लॉ है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या होता है समझिएगा, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन। इसी को एक तरीका से और रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन। तो यहां पे देख पा रहा हूं मैं, यहां पे सर मेरा बेस सेम है, देख पा रहे हो बेस सेम है, और बीच में क्या लगा है डिवाइड, बीच में क्या लगा है डिवाइड, और पावर अलग अलग है। तो यदि आपका बेस सेम होगा और बीच में डिवाइड लगा होगा तो जो इसके पावर है ये आपस में घट जाते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, लिखा 5 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 5। तो आप क्या करेंगे, पहले बेस चेक करोगे, तो सर दोनों का बेस सेम है बीच में लगा है डिवाइड, तो अगर बेस सेम है बीच में लगा है डिवाइड तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। घटने के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पास 7 में से 5 जाएगा 2, और 5 टू दी पावर 2 का मतलब होगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, आपका आंसर आ जाएगा 25। अगर मैं लिखा है यहाँ पास 3 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 9, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आप बेस चेक करोगे, बेस सेम है बीच में डिवाइड लगा है तो आप बोलोगे सर जो पावर है वो घट जाएगा, घटने पे क्या मिलेगा 3 टू दी पावर 1, और 3 टू दी पावर 1 यानी कितना जाएगा 3। इसी प्रकार अगर मैं लिखा यहाँ पास 3 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर माइनस 3, 3 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखा मैं 3 टू दी पावर माइनस 3, तो यहां पे क्या मिलेगा, तो आप पहले चेक करोगे बेस, बेस सेम है बीच में डिवाइड लगा है तो आप लिखोगे 3 टू दी पावर 2 माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 3, क्योंकि यहां पे n के प्लेस में क्या दिया माइनस 3, तो आप माइनस के साथ लोगे, इसको केवल 3 कंसिडर नहीं करोगे, क्या लोगे आप इसको माइनस के साथ, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, तो आप बोलोगे 3 टू दी पावर 2 माइनस और माइनस प्लस क्या मिल जाएगा 3 टू दी पावर 5, और 3 टू दी पावर 5 का मतलब होगा 3 इंटू 3। तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 243। तो ये हो गया हमारा दूसरा लॉ, घातांक का नियम का दूसरा नियम है ये, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। अगर ऐसा रहेगा तो a टू दी पावर m माइनस n आपको रिजल्ट मिलता है। ध्यान रखना अगर बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो घात आपस में घट जाते हैं, ये दूसरा नियम। बढ़ते हम लोग तीसरा नियम के लिए। घातांक का तीसरा नियम क्या है समझिएगा, घातांक का तीसरा नियम है a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n। अगर ऐसा रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो a टू दी पावर m इंटू n, क्या लिख सकते हो आप इसे a टू दी पावर m इंटू n। एग्जाम्पल समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर मैं लिखा यहां पास 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 3, तो आप कैसे लिखोगे आप इसको, आप इसको लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3, तो आपको मिलेगा 2 टू दी पावर 6, क्या मिलेगा आपको 2 टू दी पावर 6, और 2 टू दी पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 छह बार, 1 2 3 4 5 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 64। ये कौन सा है, लॉ नंबर 13, लॉस ऑफ इंडेसिस का रूल नंबर 13, या बोल दो प्रॉपर्टी नंबर 13, या घातांक के नियम का तीसरा नियम। इसी प्रकार मैं लिखा यहां पास 10 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 2, तो आप क्या बोलेंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बन जाएगा, 10 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका मतलब हो जाएगा 10 टू दी पावर 10, और 10 टू दी पावर 10 यानी 10 का मल्टीप्लाई 10 बार, तो जब 10 का मल्टीप्लाई आप 10 बार करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पास 10 ठुक 0 2 4 6 8 और 10। तो ये कौन सा हो गया आपका लॉ नंबर थर्ड लॉ, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n रहेगा तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, a टू दी पावर m इंटू n। समझिएगा इसी यहीं पे समझा रहा हूं मैं आपको। एक होता है ऐसा a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, ऐसा रहेगा a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, तो ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल अलग है और ये वाला बिल्कुल अलग है,
क्लियर है कि नहीं, इसको आप बेहतर है कि आप इसको अलग से मार्किंग कर लो, फोर्थ नंबर, क्लियर है ना। तो थर्ड नंबर का बिल्कुल अलग है, ये a टू दी पावर m और ब्रैकेट में लगा है, उसके बाद लगा है n, और ये क्या लिखा हुआ है, a का घात m और m का घात लिखा हुआ है n। तो समझिएगा, एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करने का क्या होगा अप्रोच हमारा। अगर मैं लिखा यहां पास 10 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3, ऐसा लिखा मैं 10 टू दी पावर 2 और 2 के पावर 3, होल टू दी पावर नहीं बोलना चाहिए, 10 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3। तो जो इसका सॉल्व करने का आपका अप्रोच होगा वो बेसिकली कैसा रहेगा, ऊपर से नीचे आने का, कैसा रहेगा आपका, ऊपर से नीचे आने का। तो देखिए कि सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे सर 2 का घात 3। अब 2 का घात 3 का मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 का घात 3 कितना होता है, 8। 2 का घात 3 यानी क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 × 2 × 2, तो कितना मिल गया आपको यहाँ पास, 8। 6 मत कर देना ना भाई, 2 का घात 3 यानी कितना मिलेगा आपको, 8। अब क्या मिला आपको, 10 टू दी पावर 8, तो 10 टू दी पावर 8 का मतलब क्या हो जाएगा, जो 0 है कितने बार आएंगे आपके पास, 8 बार, ये आपका आंसर होगा। तो समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना प्रॉपर्टी नंबर 3 में और प्रॉपर्टी नंबर 4 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 बिल्कुल अलग है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बिल्कुल अलग है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, आपको ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते आना है, और प्रॉपर्टी नंबर 3 में अगर ब्रैकेट लगा है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल मैं और समझा रहा हूं, समझिएगा। अगर मैं लिखा यहां पास 2 टू दी पावर, यहां पे लिखा मैं 2 होल टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2, उसके पावर में लिखा मैं 2, तो आपका अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का, ऊपर से नीचे आना है, क्या आना है, ऊपर से नीचे। तो जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, और 2 टू दी पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 4, और 2 टू दी पावर 4 यानी बोलोगे आप 2 × 2 × 2 × 2, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 16। और अगर मैं इसी को लिखता इस प्रकार 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2, तो इसका मतलब होगा 2 × 2 × 2, क्लियर है कि नहीं इस प्रकार। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है कि नहीं। हालांकि आंसर सेम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इसको मैं मानता तो 10 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 ऐसा करता, इसका रिजल्ट क्या मिलता, 10 टू दी पावर 6। तो देखो इसमें वेरी कर रहे हैं ना, समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, दोनों को आप अलग अलग लिखेंगे ना, एक समान नहीं समझेंगे। अगर इस प्रकार रहा पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो आपका अप्रोच कैसा रहेगा सॉल्व करने का, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये हो गया आपका चौथा नियम, घातांक का चौथा नियम। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला नियम समझिएगा, पांचवा नियम है, यदि a टू दी पावर m इक्वल्स टू a टू दी पावर n हुआ। देखिए a टू दी पावर m बीच में क्या लगा है, इक्वल्स टू a टू दी पावर n होगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं m इक्वल्स टू n। क्या लिख सकते हैं आप यहां से, m इक्वल्स टू n। अगर आपका आधार समान है, बीच में इक्वल्स टू लगा है, तो इसके जो पावर है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर आधार समान है, बीच में इक्वल्स टू लगा है, तो इसके जो घात है, जो पावर है, आपस में कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। समझिएगा, मैं लिखा यहां पास 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 10, तो मैं देख पा रहा हूं यहां पे बेस सेम है, और अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल्स टू लगा है, तो जो इसके पावर है वो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो यहां से x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 10। जैसे कि मैं लिखा 25 होल टू दी पावर 5x इक्वल्स टू 25 होल टू दी पावर 125, और मेरे को x का वैल्यू निकालना है। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पास मेरा बेस सेम है, आधार सेम है, और अगर आधार सेम है तो बीच में इक्वल्स टू लगा है, तो जो उसके पावर है आपस में आप क्या कर सकते हो, बराबर। तो आप लिखोगे 5x = 125, x इक्वल्स टू मिल जाएगा 125/5, कितना मिलेगा इसका आंसर, तो आप बोलोगे 25। तो ये आपका कौन सा लॉ हो गया, लॉ नंबर 5, क्लियर हुआ, ये हो गया आपका लॉ नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं छठवें लॉ पे। जब तक ये आपको लॉ नहीं मालूम होगा ना, आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको लॉ मालूम होना बहुत जरूरी है। अगला है a टू दी पावर m रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/a^-m। क्या लिख सकता हूं मैं, अगर a टू दी पावर m रहा तो उसको मैं लिख सकता हूं 1/a^-m। जैसे कि मैं यहां पे लिखा 10 का घात 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/10 का घात -3, 1/10 का घात -3। इसी प्रकार मैं इसको रिवर्स में बोल सकता हूं, सर अगर 1/a^m रहा तो मैं लिख सकता हूं a^-m। क्या लिख सकता हूं मैं, a^-m। एग्जांपल समझिएगा,
अगर यहाँ पास रहा आपके पास 1/10^4, तो आप लिख सकते हो 10^-4। क्या लिख सकते हो आप? 10^-4। इसी प्रकार समझिएगा सेवंथ लॉ, अगर मैं लिखा a/b whole^m, तो मैं इसको लिख सकता हूं b/a whole^m। क्या लिख सकता हूं मैं? b/a whole^m। यहां पे देखो चेंजेस क्या हो गया, यहां पे a/b था, पावर में m था, यहां पे क्या हो गया b/a whole^m। क्लियर है? जो अंश में था वो हर में आ गया, जो हर में था वो अंश में चला गया, जो प्लस में था वो क्या बन गया आपका? माइनस। तो ध्यान रखना आपको ये प्रॉपर्टी है, क्लियर है कि नहीं? प्रॉपर्टी नंबर 7। इसी प्रकार प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या होगा समझिएगा, अगर इसी को लिखा मैं a/b whole^m, तो इसी को मैं लिख सकता हूं a^m whole / b^m। तो इस 7th और 8th प्रॉपर्टी को दो तरीके से यूज कर सकते हो आप। पहला a/b whole^m है, तो आप लिख सकते हो b/a whole^m, और अगर a/b whole^m है तो आप लिख सकते हो a^m/b^m। इसी प्रकार जो आपको 9th प्रॉपर्टी मिलेगा, 9th प्रॉपर्टी क्या है समझिएगा, अगर आपके पास लिखा है a/b/c whole^m, तो आप लिख सकते हैं a^m/b^m/c^m। ये आपका 9th प्रॉपर्टी है। 9th प्रॉपर्टी या 9th लॉ क्या है? a/b/c whole^m है, तो आप उसे लिख सकते हैं a^m/b^m/c^m। एग्जाम्पल समझिएगा, मैं लिखा यहाँ पास 5×2×3 whole^2, यहाँ पे लिख दिया मैं 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5×2×2×3×2। इस प्रॉपर्टी से क्लियर हुआ सभी को? तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैं आप सभी के सामने लिख दिया हूं, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। क्लियर है? चलिए देखिएगा, पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े हम लोग, पहला प्रॉपर्टी पढ़े हैं अगर a^m/a^n होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा a^m+n। ये लॉ क्या है? यदि आपका बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लाई लगा होगा, तो इसके पावर एड हो जाते हैं। देखो इसमें भी बेस सभी का सेम है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, इसके पावर क्या हो जाएंगे? एड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसी को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हूं यहाँ पे। सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड लॉ क्या पढ़े हैं कि सर यदि a^m/a^n रहेगा तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a^m-n। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपका बेस सेम है और बीच में डिवाइड लगा है तो जो पावर है आपस में घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा लॉ, तीसरा लॉ हमने क्या देखा? तीसरा लॉ देखा हमने a^m(n). तो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो आप इसे लिखोगे a^m(n). और चौथा क्या बताया मैं? a^m/m^n रहेगा तो आपको जो सॉल्व करने का अप्रोच होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। कैसे होगा? ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करने का अप्रोच होगा। इस बात को ध्यान रखना, लॉ नंबर 3rd और लॉ नंबर 4th दोनों अलग अलग है, सेम टू सेम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th क्या देखें, a^m=a^n होगा। तो अगर बेस सेम होगा और बीच में इक्वल्स टू लगेगा तो आप जो इसके पावर है इसको इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या मिलेगा? m=n, a^m=a^n, बेस सेम है तो पावर को आप इक्वल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में करके भी दिखाया हूं मैं, सॉल्व करके, ये एग्जाम्पल है। चलो लॉ नंबर 6 क्या बताया मैं, अगर a^m है इसको आप लिख सकते हैं 1/a^m। इसी को अगर मैं उल्टा कर दिया, 1/a^m है तो इसको लिख सकते हो a^m-m। 7th क्या बताया मैं, a/b whole^m है तो आप इसे लिख सकते हो b/a whole^m। अंश वाला हर में आ गया, हर वाला अंश में चला गया, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 8th वाला देखो a/b whole^m, तो इसको मैं लिख सकता हूं a^m/b^m। 9 क्या बताया मैं आपको, a^b/c whole^m है तो आप लिख सकते हो a^m/b^m/c^m। और इसी प्रकार 10वां जो है आप सभी को मालूम होता है जनरली क्या है, 10वां a^0 होगा
तो आपको क्या मिलेगा वन, जहां पे ए क्या होगा एनी नेचुरल नंबर, ए क्या होना चाहिए एनी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहने का मतलब समझ गए होगे आप लोग कि सर वे सभी संख्या जो एक से शुरू हो और कहां तक चलती हो अनंत तक। तो ए टू दी पावर जीरो होगा तो आपको क्या मिल जाएगा वन, क्या मिल जाएगा आपको वन। यहां पे जीरो टू दी पावर जीरो नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है नॉट डिफाइंड, जीरो टू दी पावर जीरो क्या होगा आपके पास नॉट डिफाइंड। क्लियर हो सभी को? चलिएगा एक छोटा सा प्रॉपर्टी और है जो हमारे काम के लिए है, इसको हम लोग ग्यारहवां नंबर का नाम मार्किंग कर दे रहे हैं। अगर a टू दी पावर n इक्वल टू क्या रहा b, अगर a टू दी पावर n इक्वल टू रहा b तो मैं यहां से लिख सकता हूं a इक्वल टू b टू दी पावर 1 बाई n। क्या लिख सकता हूं मैं a इक्वल टू b टू दी पावर 1 बाई n। बेसिकली जो प्रॉपर्टी है ना शर्ट्स का है, करणी का है, क्लियर है, पर मैं इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं। क्लियर है कि नहीं, समझिएगा कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पास। अगर मेरे को दिया गया है x टू दी पावर 2 इक्वल टू 25, क्या दिया गया है x टू दी पावर 2 इक्वल टू 25, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं x बराबर, तो आप बोलोगे 25 टू दी पावर 1 बाई 2, 25 टू दी पावर 1 बाई 2। और आपको बता चुका हूं मैं अगर किसी संख्या के ऊपर 1 बाई 2 लगा है इसका मतलब क्या होता है सर स्क्वायर रूट। मैं जब पढ़ाया था स्क्वायर रूट चैप्टर तो उसमें बताया था मैं अगर किसी संख्या के पावर में क्या लगा है 1 बाई 2 उसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रूट 25। और रूट 25 का वैल्यू मिलेगा आपको प्लस माइनस 5, क्या मिलेगा प्लस माइनस 5। तो x का वैल्यू कौन सा वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, दो वैल्यू पर, एक प्लस 5 के लिए दूसरा माइनस 5 के लिए। प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25, माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25। क्लियर हुआ सभी को? जैसे कि मैं यहां पे पूछा आपको x टू दी पावर 3 इक्वल टू 125, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको मालूम है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 125 होल टू दी पावर 1 बाई 3 होल टू दी पावर 1 बाई 3। और आपको बताया था मैं किसी संख्या के ऊपर 1 बाई 3 लगा है इसका मतलब क्या होता है वो क्यूब रूट, क्या होता है घनमूल क्यूब रूट। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर क्यूब रूट ऑफ 125, और क्यूब रूट ऑफ 125 का वैल्यू क्या मिलेगा 5। इसमें केवल एक ही आंसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा पॉजिटिव का 5, नेगेटिव नहीं मिलता। लेकिन स्क्वायर रूट वाले में दो आंसर मिलेगा, एक प्लस 5 दूसरा माइनस 5। क्लियर है? तो ये सारे के सारे लॉस आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि आपको इसके बिना क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो पहले इतना बताओ कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ जितने लोग जुड़े हो भाई सबके सबको लाइक करना है, क्लियर है, सबको लाइक करना है, और इतना कमेंट करो कि समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया। सबको मैं एग्जाम्पल लेके समझा दिया हूं जहां पे जरूरत था। अभी भी किसी को किसी लॉ पे डाउट है तो बताइए, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका घातांक एवं करणी, क्लियर है, आगे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कभी कभी काम आएगा, और आपके शिक्षक भर्ती के सिलेबस में स्पेशली लिखा है घातांक एवं करणी। बाकी लोग कहां गए भाई, सब रामनवमी मना रहे हो क्या, आज कम लोग जुड़े हो, बाकी लोग रामनवमी मना रहे हैं। चलो सभी कमेंट आ गया, यस सर क्लियर है, समझ में आ गया है, बढ़िया। तो चलिए सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। क्लियर है? चलिए पहला प्रश्न दिया गया है 16 टू दी पावर 3 बाई 4, पहला प्रश्न क्या देकर रखा गया है 16 टू दी पावर 3 बाई 4, और आपको बताना है कि सॉल्व करके क्या आएगा। तो आप देखिए पावर में क्या लगा हुआ है 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 को जो बेस दिया क्या दिया 16, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा आपको बेस को चेंज करना पड़ेगा, बेस को चेंज करना पड़ेगा। अब बेस को चेंज कैसे करेंगे सर, तो बेस को जो चेंज करते हैं वो चेंज करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन करके। कैसे चेंज करते हैं बेस को, फैक्टराइजेशन करके। अब मैं 16 का फैक्टराइज करूंगा क्या मिलेगा यहाँ पास 8, फिर मिलेगा क्या 4, फिर क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पास 2 2 4, और क्या मिलेगा 2 1 2। तो मैं 16 को लिख सकता हूं
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इसका मतलब होगा टू टू द पावर फोर। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यदि आपके पास बेस एक इंटीजर वैल्यू है पर पावर आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं आपको बेस को चेंज करना पड़ेगा। और जो बेस को चेंज करते हैं वो कैसे चेंज करते हैं? जैसे कि फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं। तो इस प्रकार मैं 16 को ब्रेक करूंगा और 16 को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का घात 4 और बगल में क्या लगा हुआ है, 3 का घात 4। समझ में आ गया होगा? तो हमेशा ध्यान रखना यदि पावर में फ्रैक्शन के रूप में दिए है डेटा तो बेस को चेंज करना पड़ता है किसके रूप में, किसके रूप में, फैक्टराइजेशन करके इसके रूप में, इस प्रकार। क्लियर है कि नहीं? ताकि आप क्या कर सको, आगे सॉल्व कर सको। अब यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो आप बोलोगे a टू दी पावर n होल टू दी पावर n, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे n इंटू m। तो यहां पर से क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी 3 बाई 4, तो 4 से 4 कैंसल, फाइनली क्या बचेगा, 2 टू दी पावर 3, और 2 टू दी पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो ध्यान रखना है यदि जब भी आपके पास पावर में ऐसा डेटा दिया रहेगा, फ्रैक्शन डेटा दिया रहेगा, तो बेस को कन्वर्ट करना पड़ता है। और बेस को कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं ना, ब्रेक करते हैं, उसी प्रकार आप ब्रेक करोगे, फिर जो आंसर मिलेगा उसको यहां पे रखोगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करोगे किस प्रॉपर्टी से, ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर एम से। सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 8। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है 64 होल टू दी पावर माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 216 होल टू दी पावर माइनस 2/3। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में, तो समझिएगा। आप देख पा रहे हैं जो पावर लगा है कैसे लगा है सर, फ्रैक्शन रूप में लगा हुआ है, भिन्न संख्या के रूप में लगा हुआ है। तो आपका पहला काम क्या होगा, आपका पहला काम होगा कि आप बेस को कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे आप, पहले बेस को कन्वर्ट करोगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 64 का फैक्टराइज करोगे। अब समझो अगर आपको समय बचाना है ना, तो आप और समय बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो, पहले आप देखो कि जो पावर में दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर में क्या दिया है। तो यहां पर दिया है 3 और यहां पर भी क्या दिया हुआ है, 3। अब आप खुद से सोचो कि 64 को सर मैं ऐसे क्या संख्या में लिख सकता हूं जिसके पावर में 3 मेंटेन रहे, जिसके पावर में क्या रहे, 3 मेंटेन। क्यों 3 मेंटेन रहे, ताकि ये जो 3 है और जो बाहर में लगा हुआ है माइनस 2/3 का 3, ये आपस में क्या हो सके, कैंसल हो सके। आपको इस प्रकार सोचना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से समझ सको, जल्दी से सॉल्व कर सको। इस 64 को तोड़ूंगा तो मैं 2 के घात में भी तोड़ सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप सोचो कि 64 को मैं कैसे संख्या में तोड़ू कि जो मेरे को पावर में क्या मिले, 3 मिले। क्यों मिलेगा 3, क्योंकि यहां पे जो पावर लगा हुआ है घात के रूप में, फ्रैक्शन जो घात लगा है फ्रैक्शन के रूप में लगा हुआ है, और फ्रैक्शन वाले संख्या में नीचे में क्या लगा हुआ है, 3। तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो सके, कैंसल। इसी प्रकार आप क्या सोचोगे कि सर मैं 216 को किसके घात 3 में लिख सकता हूं कि जो बाहर में लिखा हुआ है माइनस 2/3 का, उसमें का 3 और ये जो मिला 3, ये आपस में क्या हो सके, कैंसल। तो मैं बोला था कि 1 से लेके 15 तक का क्यूब याद कर लेना और 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद कर लेना। जो ये मेहनत किया है वो तुरंत समझ जाएगा कि सर 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब और 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब। 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब और 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गया फॉर्मेट में ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर एम, क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एन इंटू एम, ए टू दी पावर एन इंटू एम। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 4 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2/3, 3 से 3 कैंसल, बगल में लगा है मल्टीप्लाई, आप भी लगा दो मल्टीप्लाई, 6 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2/3, ये 3 से ये 3 कैंसल। तो फाइनली क्या मिलेगा, 4 टू दी पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 टू दी पावर माइनस 2।
अब आपको एक प्रॉपर्टी बताया मैं, क्या बताया था कि सर अगर a टू दी पावर माइनस m रहेगा तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन a टू दी पावर m, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन 4 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 6 टू दी पावर 2। क्लियर हुआ सभी को? अब यहां से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 1 बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 36, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन 576, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 576, ये होगा इसका सोल्यूशन पूरा। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना वो साथ ही साथ क्या मेंटेन करोगे आप प्रॉपर्टी को, कि आप कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ताकि आपको डाउट ना हो, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं बनाने का, तो आप ध्यान देंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया उसको मेंटेन कर लो, आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा। चलिए बहुत लोग, कुछ लोग का आंसर भी आ गया था, बहुत बढ़िया रीना कुमारी। चलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले ये वाला। चलो अब आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं कि पटवारी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो कैसे सॉल्व होगा। चलिएगा, पटवारी के एग्जाम में आया था 1296 होल टू दी पावर 0.75 होल टू दी पावर 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 36 टू दी पावर माइनस 1, 36 टू दी पावर माइनस 1, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं यहां पे क्या दिया हुआ है 0.75, 0.75 का बेसिकली मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3/4, क्या होगा 3/4, और यहां पे क्या लिखा हुआ है माइनस 1, तो ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को। तो दूसरा आप अप्रोच क्या करोगे, आपका दूसरा अप्रोच होना चाहिए कि आप सबसे पहले बेस को सेम कर लो, क्या रहना चाहिए आपका अप्रोच कि आप पहले बेस को सेम कर लो। यहां पे बेस क्या दिख रहा है 36 और यहां पे बेस क्या दिख रहा है 1296, तो अगर सर जो बड़ा बेस है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं क्या छोटे बेस में, पहले आपको यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी बने हैं आपके, जितने भी लॉ बने हैं वो किस पे बने हैं, जिसका बेस सेम होगा उस पे बना है। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई लगा है, बेस सेम है और बीच में क्या लगा है डिवाइड, बेस सेम है और बीच में लगा इक्वल्स टू, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बेस को सेम करना पड़ेगा। तो बेस को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ी संख्या को छोटे वाले संख्या में तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते, ब्रेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब अगर करने नहीं आया तो मैं बताया कौन सा विधि, गुणनखंड विधि, उस गुणनखंड विधि से आप ऐसा निकालोगे 1296 का ऐसा। क्लियर है कि नहीं? तो फिर आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको सीधा सीधा कर सकता हूं, तो मैं करके दिखा दे रहा हूं। तो 1296 का मतलब होता है बेसिकली 36 का स्क्वायर, 1296 का मतलब होता है क्या 36 का स्क्वायर, और पावर में क्या लगा हुआ है 0.75, बगल में क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 36 टू दी पावर माइनस 1। बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा पहला एम क्या है, मेरा पहला एम है सर मेरे को बेस सेम करना है, क्या सेम करना है बेस, क्योंकि जब तक मैं बेस सेम नहीं करूंगा मैं लॉस ऑफ इंडाइसेस के लॉ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के सभी जो लॉ बने हैं वो बेसिकली किस पे बने हैं, जिसका बेस सेम है, बेस सेम वाले में मल्टीप्लाई, बेस सेम वाले में डिवाइड, बेस सेम वाले में इक्वल्स टू, तो बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो मेरे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस को सेम करना पड़ेगा। तो बेस को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो बड़ी संख्या है उसको छोटी वाली संख्या में ब्रेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये सोचना पड़ेगा। समझ में आया? अब अगर नहीं आता करने तो आपको गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेगा, और निकाल करके आप बेस को सेम करोगे। तो जब आप गुणनखंड विधि से निकालोगे तो इसका कुछ अलग आंसर आएगा और इसका कुछ अलग आएगा, तो समझ में आएगा। तो जब आप गुणनखंड विधि से निकालोगे ना तो ये 6 के रूप में मिलेगा, और इसी प्रकार इसको भी क्या करना पड़ेगा, फिर 36 को भी 6 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो बेसिकली क्या मिलेगा आपके पास, 6 का घात 4 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा 6 का घात 2 मिलेगा, और ब्रेक करोगे तो 2 और 3 के फॉर्म में आएगा। समझ में आया? लेकिन जो हम लोग मेथड यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, गुणनखंड विधि का यूज करते हैं ताकि आप बेस को सेम कर सको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखा, 36 का घात 2 और बगल में क्या लगा हुआ है 0.75, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे 36 होल टू दी पावर क्या मिलेगा, आपको मालूम है प्रॉपर्टी, क्या मालूम है सर कि जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 0.75 के साथ, और बगल में क्या चल रहा है 36 टू दी पावर माइनस 1,
तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा यहां पास, तो आप बोलोगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 36 टू दी पावर माइनस 1। अब आपको मालूम पड़ गया सर यदि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो जो पावर है वो आपस में क्या हो जाते हैं, एड। तो 1.5 प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस 1, क्योंकि बगल में क्या लगा है, माइनस 1 ना, तो माइनस 1 लोगे। अब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 36 होल टू दी पावर 1.5 माइनस 1, तो 36 टू दी पावर क्या मिल जाएगा आपके पास, 0.5। अब 36 टू दी पावर 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 36 टू दी पावर 1/2, और 36 टू दी पावर 1/2 का मतलब हो जाएगा 36, और 36 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 6। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना रहता, क्लियर है। ये आपके पेपर में पूछा है, पटवारी 2017 में, पटवारी का पेपर देखोगे तो उसमें पूछा गया है ये प्रश्न, पटवारी में पूछा गया है प्रश्न 1296 होल टू दी पावर 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 36 टू दी पावर माइनस 1 का। समझ में आया, अगर ये फॉर्म, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि सर 1296 का 926 जो है 36 का स्क्वायर है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे आप, गुणनखंड विधि यूज करोगे। कौन सा विधि यूज करोगे, गुणनखंड विधि यूज करोगे। गुणनखंड विधि से आप निकालोगे तो यहाँ पे 2-3 के फॉर्मेट में चलेगा, तो 2-3 के फॉर्मेट में आएगा, उसके हिसाब से आप पावर को मैनेज करोगे और निकालोगे, थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो आपको क्या करना रहेगा, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे कि आप समझ सको कि भाई ये 36 दिया है तो 36 के बेस में टूट सकता है, समझ में आ गया होगा। और जिसको नहीं आता वो बिल्कुल बेसिक से बनाएगा तब जाके बनेगा उससे। चलो बताओ, समझ में आया ये वाला प्रश्न, आया भाई समझ में। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 8 टू दी पावर 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू दी पावर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 3.5 होल टू दी पावर 4/13 होल टू दी पावर 4/13 और पूछा है कि आपको आंसर क्या आएगा, सीजीटीईटी में आया था। चलो तो समझिए, आपका सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, पूरा जो चैप्टर डिपेंड कर रहा है, पूरा डिपेंड कर रहा है बेस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे, क्योंकि जितने भी लॉस बने सब किस पे बने हैं, सेम बेस पे। तो आप देखिए सबसे पहले बेस, यहां पे बेस दिख रहा है 8, यहां पे दिख रहा है 4, यहां पे दिख रहा है 2। तो आप क्या, जो सबसे छोटी बेस है उन सब, उसमें जो सबसे छोटी बेस दिख रही है यहां पे क्या दिख रही है, 2। इस जो 2 है इसमें बड़ी बेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर कर सकता हूं। तो सबसे पहले काम क्या होगा आपको, जो छोटी बेस है उसी के हिसाब से आप जो बची हुई बड़ी बेस है उसको आप कन्वर्ट करोगे। बात समझ में आया, क्यों करेंगे ऐसा, ताकि हम लोग बेस को सेम कर सके। क्या करने बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे छोटा बेस कौन सा है, तो क्या दिख रहा है मेरे को यहां पास, 2। तो जो बच गई है सभी संख्या का बेस, उस सभी संख्याओं के बेस को आप इस छोटी संख्या के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो आप यदि कन्वर्ट कर सकेंगे तो पहले आप कन्वर्ट करेंगे, और यदि कन्वर्ट करने नहीं आया तो मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, आप किसका हेल्प लोगे, गुणनखंड विधि का। तो 8 का निकालोगे, 4 का निकालोगे, तो क्या लिखोगे यहां पास, 2 4 2 2 और 2 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 2 1। तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 का क्यूब, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का घात 2। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपको, जो बड़ी बेस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे वाले बेस में, यदि होगा तो। तो अभी हो रहा है तो मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा बेस में, छोटे बेस में, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 2 टू दी पावर 3, और पावर में क्या लगा हुआ है, 1.5। इसी प्रकार क्या लिखूंगा मैं, 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 3.5 और होल टू दी पावर क्या लिखूंगा मैं यहां पास, 4/13। पहला काम आपका क्या रहेगा कि बेस को सेम करना है। बेस को सेम करने के लिए आप गुणनखंड विधि का हेल्प ले सकते हैं। किस विधि का हेल्प ले सकते हैं, गुणनखंड विधि का। अब देखो इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी हमारे पास a टू दी पावर n
होल टू दी पावर एम क्या हो जाएगा, एन इन टू एम। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं इस प्रॉपर्टी फॉर्मेट के हिसाब से, ए टू दी पावर एन टू दी पावर एम एन इन टू एम। तो यहां पे क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 3 इंटू 1.5, मैं सीधा लिख रहा हूं सीधा सीधा 3 इंटू 1.5 क्या मिलेगा 4.5। इसी प्रकार यहां पे क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 2 इंटू 2.5, तो आप बोलोगे 5 मिलेगा। और इसी प्रकार यहां पे क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 3.5 और होल टू दी पावर क्या लगा हुआ है 4/13। अब आप देखो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे बेस सेम है, बेस सेम रहता है और बीच में मल्टीप्लाई लगा रहता है तो पावर क्या हो जाते हैं, तो आप बोलोगे सर पावर ऐड हो जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, इसी लॉ का यूज करके मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 4.5 प्लस 5 प्लस 3.5 और होल टू दी पावर क्या लगा हुआ है 4/13। जब मैं ऐड करूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे पास, यहां पास पावर में 13 और बाहर में क्या चल रहा है 4/13। अब कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो आप बोलोगे ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर एम, तो क्या मिलेगा ए टू दी पावर एन इंटू एम। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू दी पावर 13, 13 से 13 कैंसल, 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 मत कर देना भाई, ठीक है ना। क्या मिलेगा यहां पर 16, कितना मिलेगा 16। तो ये आपका आंसर होगा क्या 16। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, घातांक एवं करणी के प्रश्न आए तो आप ट्राई करिएगा कि आप सभी के बेस को सेम कर सको, क्या कर सको, आप दिए गए क्वेश्चन में सभी के बेस को सेम कर सको और आपको जनरली ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसमें आप बेस को सेम कर सकते हो, तभी तो आगे सॉल्व होगा, क्योंकि तो जितने भी लॉ बने हैं सब किस पे बने हैं, सेम बेस पे बने हैं, समझ में आया। इसलिए जनरली जो क्वेश्चन फ्रेम होगा आपका वो ऐसा ही फ्रेम किया जाएगा कि आप बेस को सेम कर सकते हैं, और अगर आपको बेस को सेम करने नहीं आया तो आप किसका हेल्प लोगे, गुणनखंड विधि का हेल्प लोगे भाई। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसी 4 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई सॉरी p टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई p टू दी पावर 9 इक्वल्स टू p टू दी पावर r। तो आपको बताना है कि r का वैल्यू क्या होगा, सीजी व्यापम पटवारी में पूछा गया है। तो देखो हमारे पास प्रॉपर्टी है a टू दी पावर m इंटू n, क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाई n, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा p टू दी पावर 3 टू जा 6 मल्टीप्लाइड बाई p टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई पी टू दी पावर 9 इक्वल्स टू क्या चल रहा है पी टू दी पावर आर। अब आपको मालूम है सर यदि बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 और नीचे में क्या मिल जाएगा पी टू दी पावर 9 इक्वल्स टू पी टू दी पावर आर। अब आपको मालूम है एक प्रॉपर्टी और कि सर यदि बेस सेम है, बेस सेम है बीच में डिवाइड लगा है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा p टू दी पावर 1 इक्वल्स टू p टू दी पावर r। अब आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है, क्या मालूम है यदि बेस सेम है और बीच में क्या लगा हुआ है इक्वल्स टू, तो आप पावर को सीधा सीधा इक्वल लिख सकते हैं, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r, और आपको r का वैल्यू पूछा था तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे r बराबर होगा सर 1। देखिए भाई यहां पे मैं साइड में मेंटेन कर दे रहा हूं कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हूं, तो पहला यूज किया हूं a टू दी पावर m होल टू दी पावर a इनटू a टू दी पावर n क्या मिलेगा m प्लस n। दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया हूं a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n क्या हो जाएगा m माइनस n। तीसरा प्रॉपर्टी मैं यूज किया हूं a टू दी पावर m इक्वल्स टू a टू दी पावर n होगा तो m इक्वल्स टू n। ये तीन प्रॉपर्टी का यूज करके बनाया हूं। देखिए कहीं पे भी किसी कुछ दिक्कत है क्या बता भाई, किसी को भी कहीं पे भी कुछ दिक्कत है क्या, सभी को समझ में आया, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आप किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर है सभी को।
चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला लिखा हुआ है 27 होल टू द पावर n बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द पावर माइनस n बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 162 होल टू द पावर माइनस n बाय 2। ये लिखा हुआ है 27 होल टू द पावर n बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द पावर माइनस n बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 162 होल टू द पावर माइनस n बाय 2। इसको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आंसर आने वाला है। चलिए तो मैं क्या बताया, हमारा सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। तो हमारा अप्रोच होगा सर कि हम सभी की संख्याओं के बेस को सेम कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, बेस को सेम कर सकते हैं क्या। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं बेस क्या है 27, यहां पे 8 है, यहां पे 162, तीनों के तीनों अलग हैं। तो आप बेस भी सेम नहीं कर सकते, तो बेस को सेम नहीं कर सकते। और मैं आपको बताया कि यदि पावर किस पावर में अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप क्या करिए कि जो बेस है उसको डिनोमिनेटर के संख्या के मल्टीपल में लिख सकते हैं क्या, आप ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। तो आप सोचेंगे कि 27 को मैं क्या पावर 3 के रूप में लिख सकता हूं क्या, क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में 3। तो आपको कैसे मिलेगा, तो आपको अगर नहीं पता तो आप किसका हेल्प लोगे, गुणनखंड विधि का। तो क्या लिखोगे आप यहां पास 39 जा, फिर 33 जा और फाइनली 31 जा। तो 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 to the power 3, यदि नहीं मालूम है तो। ये गुणनखंड विधि को पकड़े रहना, अगर जिनको नहीं मालूम इसी विधि का हेल्प करना, यूज करना, इसी विधि से आप हेल्प ले सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो मैं 27 को लिख सकता हूं 3 to the power 3 होल टू द पावर n बाय 3। अब मैं सीधा लिख रहा हूं 8 का मतलब होगा क्या 2 to the power 3 और बगल में क्या लगा हुआ है माइनस n बाय 6, आप ऐसे ही लिखोगे। अब बच गया 162, तो 162 को आप सीधा सीधा ब्रेक नहीं कर सकते, तो आप गुणनखंड का हेल्प लोगे। तो 162 का मतलब होगा 2 से डिवाइड करूंगा तो 81, फिर जाएगा सर 3 से 27, फिर जाएगा 3 से 9, फिर जाएगा 3 से 3 टाइम्स और फाइनली जाएगा 3 से 1 टाइम्स। तो 162 का मतलब होगा 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 4। 162 का मतलब होगा 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 4। तो मैं 162 को रिप्लेस करूंगा और क्या लिखूंगा 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 4 और बाहर में चल रहा है n बाई 2, आप लिखोगे n बाई 2। अब देखिए यहां पे मैं प्रॉपर्टी कौन सा यूज करूंगा ऊपर वाले में, न्यूमरेटर वाले में, तो आप बोलोगे 8 to the power n होल टू दी पावर m, तो क्या मिलेगा n इंटू m। और इसी प्रकार यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो आपको मालूम है 8 into b होल टू दी पावर n क्या हो जाएगा 8 to the power n इंटू b to the power n। क्लियर है, तो मैं इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं। तो क्या लिखूंगा मैं 3 to the power 3 इंटू n बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, बगल में मल्टीपल लगा है 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस n बाई 6। तो ये 3 1 जा और ये क्या हो जाएगा 3 2 जा। इसी प्रकार नीचे में क्या मिलेगा आपके पास, तो आप बोलोगे 2 to the power माइनस n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 4 लगा हुआ है और बगल में क्या लिखोगे आप माइनस n बाई 2। ये 2 1 जा और ये 2 2 जा कैंसल होगा। एक बार मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं साफ सुथरा, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पास, तो आपको मिलेगा जो बचा हुआ है 3 to the power n मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power माइनस n बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 to the power माइनस n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power माइनस 2n, ये मिलेगा। तो ये और ये आपस में कैंसल, 2 to the power माइनस n बाई 2 और 2 to the power माइनस n बाई 2 अंश और हर में है और बीच में मल्टीप्लाई लगा तो आप कैंसल कर सकते हैं, तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, तो आप बोलोगे 3 to the power n डिवाइडेड बाई 3 to the power माइनस 2n। अब आप देखिए आपका बेस सेम है और बीच में क्या लगा है डिवाइड, तो अगर बेस सेम है बीच में लगा है डिवाइड तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं सर, घट जाते हैं, क्या हो जाते हैं घट जाते हैं, माइनस 2 माइनस 2n माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 2n, तो माइनस और माइनस क्या मिल जाएगा आपके पास प्लस n प्लस 2n, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 to the power 3n 3 to the power 3n। अगर इसी को आप और सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 3 to the power 3 बगल में n, लिख सकता हूं मैं, तो यहां पास से क्या मिलेगा 27 to the power n, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27 to the power n।
ये देखिए घातांक एवं करणी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, बेस को ट्राई करना है सेम हो, बेस क्या हो आपका सेम। बेस यदि सेम होगा आपका, तो बेस यदि सेम होगा तभी आप लॉस को यूज कर सकते हैं। तो जनरली आपको क्या करना रहता है, बेस को सेम करना रहता है, क्या करना रहता है, बेस को सेम करना रहता है। अगर बेस सेम नहीं हो रहा है या करने नहीं आ रहे हैं तो कौन सा मेथड का यूज करोगे आप, गुणनखंड विधि का यूज करोगे। गुणनखंड विधि से आप ब्रेक करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बेस को आप किस तरह के तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो इन बातों को ध्यान रखना भाई, पूरा चैप्टर जो बेस्ड है आपका पूरा बेस पे बेस्ड है, आधार पे है, आधार। अगर आप आधार समान कर पा रहे हो तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी मिलेगा, आपको आगे रास्ता दिखते जाएगा कि आगे स्टेप क्या करना पड़ेगा। और अगर आपको बेस सेम करने नहीं आएगा तो कौन सा विधि का यूज करोगे, गुणनखंड विधि का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 27 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू, इधर डिवाइड में पहले दिया हुआ है 3 इंटू 81 टू दी पावर 4 और इक्वल्स टू लिखा हुआ है 27 इक्वल्स टू लिखा हुआ है 27। चलिए इसको सॉल्व करना है और बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो मैं क्या बोला हूं, सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए कि सर बड़ी संख्या को छोटी संख्या के आधार पर तोड़ सकते हो क्या। तो आप सबसे पहले चेक करो कि सबसे छोटा बेस कौन सा है, तो सबसे छोटा बेस मेरे को क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो जो बाकी संख्या बच गई है जिनका बेस 3 से बड़ा है, क्या उन सभी संख्याओं को आप 3 के बेस में तोड़ सकते हो क्या। तो आप देख पा रहे हैं एक 9 है और एक 27 है, तो आप बोलेंगे सर हाँ मैं तोड़ सकता हूं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, बेस को सेम करना। तो बेस को सेम करोगे, तो बेस को सेम करने के लिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या में तोड़ना पड़ता है। अब आप देखोगे सर छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो 3 के रूप में लिख सकते हो क्या, ऐसा जज करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो 9 को, तो क्या लिखोगे आप, 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर n, बगल में चल रहा है 3 टू दी पावर 5, 3 को तो और ब्रेक नहीं कर सकते आप। और 27 क्या कर सकता हूं मैं, 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 3 होल डिवाइडेड बाई, ये 3 है और यहां पास 81 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 4 और बगल में चल रहा है 4 इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है 27 यानी 3 टू दी पावर 3। अब आप देखो सब आपका बेस समान हो गया है, अब बेस को समान हो रहा है लेकिन उसके पहले भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी यूज होगा, उस प्रॉपर्टी का आप यूज करोगे। तो प्रॉपर्टी कौन सा यूज होने वाला है, जनरली a टू दी पावर n होल टू दी पावर n क्या हो जाएगा, n इंटू n, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या मिलेगा, 3 टू दी पावर 2n, यहां पे क्या मिलेगा 3 टू दी पावर 5 और यहां पे क्या मिलेगा 3 टू दी पावर 9। 3 और 3 6 मत कर देना भाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 9, यहां पे क्या मिलेगा 3 और यहां पे क्या मिलेगा 3 का घात 16, 4 इंटू 4 8 मत कर देना, 4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3 टू दी पावर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप देखेंगे तो सभी का बेस सेम हो गया है, बेस सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आप लिखोगे 2n प्लस 5 प्लस 9 और यहां पे क्या मिलेगा 3 टू दी पावर 1 प्लस 16। गलती मत कर देना, यहां पे जीरो मत समझना, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या लगा रहता है 1, वहां का 1 को मत छोड़ देना, क्लियर है कि नहीं। इसीलिए मैं क्वेश्चन को लिया हूं समझाने के लिए, कुछ बच्चे लोग सीधा सीधा 16 लिख देते हैं, 0 प्लस 16, 0 प्लस 16 नहीं होगा, यहां पे क्या होगा 1 होगा, कुछ नहीं है मतलब पावर में 1, इस बात को ध्यान रखना है। और इक्वल्स टू में चल रहा है 3 टू दी पावर 3, सॉल्व करने पे मिलेगा 3 टू दी पावर 2n प्लस 14 और नीचे में मिलेगा 3 टू दी पावर 17 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3। अब आप फिर से देखो, आपके यदि बेस सेम है और बीच में डिवाइड लगा है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, आप बोलेंगे सर घट जाते हैं, तो आप माइनस करोगे 17 को, क्लियर है। अब आपका अगला प्रॉपर्टी कौन सा होगा, a टू दी पावर m इक्वल्स टू a टू दी पावर n होगा, तो आप बोलोगे m इक्वल्स टू n, तो यहां से लिख सकता हूं 2n प्लस 14 माइनस 17 इक्वल्स टू,
इक्वल्स टू 3, क्योंकि बेस सेम है, यहां पास इक्वल्स टू लगा है, तो पावर को आप क्या कर सकते हो, इक्वल। तो यहां से क्या मिलेगा, 2n इक्वल्स टू 3 प्लस 17 माइनस 14, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो 2n इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 17 और 3 20, 20 में से 14 गया 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6/2, और 6/2 यानी कितना हो गया 3, और इसी n का वैल्यू आपको बताना था। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर n बराबर 3, n बराबर क्या बताना था, n का वैल्यू बताना था, n बराबर क्या हो जाएगा 3। देखो ध्यान से, यहां पे लिखा नहीं था क्या, मैं यहां पे लिख लेना n का वैल्यू क्या हो गया, ठीक है ना। तो n का वैल्यू बताना था, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। बहुत बढ़िया बबीता भारती साहब, रीना कुमारी पुत्रा साहब, सभी का आंसर आया 3। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के लिए, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, पटवारी, RI, लेबर इंस्पेक्टर, व्यापम में जितने भी पेपर होते हैं सब में आता है ये, क्लियर है कि नहीं। पटवारी में तो भरा पड़ा है, पटवारी का तो एकदम फेवरेट चैप्टर है घटांक एवं करणी, पड़ा हुआ है, आप देखो तो हर साल आया है पटवारी से, हर साल, क्लियर है कि नहीं। हो सकता है कि अभी आने वाले समय में आपको पटवारी और RI का पोस्ट भी देखने को मिले, तो आप रेडी रहिए भाई, अभी से पढ़ के बैठे रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो केवल शिक्षक भर्ती या सहायक शिक्षक भर्ती में काम नहीं आने वाला, छत्तीसगढ़ व्यापम में, छत्तीसगढ़ प्री के पेपर में, स्टेट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके, जिसमें मैथ्स का कॉमन सिलेबस है, उन सब में काम आएगा। अभी से पढ़ते बैठे रहिए भाई, आने वाले समय में हो सकता है RI पटवारी का आपको एग्जाम देखने को मिले, ठीक है कि नहीं। जैसे इलेक्शन कंप्लीट होगा आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम का व्यापम के द्वारा, तो आप अभी से पढ़ के रेडी हो जाइए भाई, क्लियर है सभी को। तो बताओ आज का क्लास समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आसान चैप्टर है, पूरा चैप्टर किस पे बेस है, ये बेस पे, बेस आधार पे बेस है, ठीक है ना। जो चैप्टर बना हुआ है, जो डिपेंड कर रहा है चैप्टर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा बेस पे। आपको केवल एक ही काम करना है कि बड़े वाले बेस को छोटे वाले बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, और जनरली क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कन्वर्ट करने नहीं आता तो आप गुणनखंड विधि से निकाल के उसको ब्रेक करके आप बेस को सेम करोगे, क्लियर है कि नहीं सभी को। ये चैप्टर पूरा उसी पे बेस्ड है, क्लियर है सभी को। बहुत आसान चैप्टर है, आपको लॉस मालूम होने चाहिए, और बनाने के हजारों तरीके हैं, ठीक है ना। मैं तो एकदम बेसिक से बना रहा हूं, एकदम फंडामेंटल से, क्लियर है ना, लेकिन हजारों तरीके हैं बनाने के। जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का आप सही सही यूज करो तो बहुत सारे तरीके से बना सकते हो आप, क्लियर है कि नहीं। लेकिन मैं एकदम फंडामेंटल से बना रहा हूं ताकि जो नया जुड़ा होगा मेरे साथ वो भी एक एक बात को समझ सके, साथ में साइड साइड में प्रॉपर्टी भी मेंटेन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को कहीं पे भी कुछ दिक्कत ना हो। कल एक क्लास मैं और लूंगा इसका, और देखेंगे कि नए नए क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं और कैसे कैसे बनाने का अप्रोच होगा, ठीक है ना। करणी वाले और घात वाले प्रश्न भी बचे हुए हैं, उसको मैं कल लूंगा। जो पूछता है ना एग्जाम में, क्या पूछता है, 2 का घात 60, 3 का घात 48, 4 का घात 36, 5 का घात 24, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या आपके पास ऐसा दिया रहेगा वर्गमूल घनमूल 2, यहाँ पे लिखा होगा 6th root 4, यहाँ पे लिखा रहेगा 8th root 10, यहाँ पे लिखा रहेगा 9th root 12, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये दो पैटर्न वाले प्रश्न जो है ना, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल डील करूंगा, और कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन घातांक के मैं कल और डिस्कस करूंगा। तो आज बेसिकली मैं आपको लॉस बताया हूं, और लॉस के साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चन कराया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए किसी ना किसी पेपर में, ठीक है ना। तो कल हम लोग एक क्लास और पढ़ेंगे घातांक एवं करणी का, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल ये दो बचे हैं, दो पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्लियर है ना। कल ही मैं डिस्कस करूंगा कि वर्गमूल पांच ऐसा पैटर्न वाला प्रश्न आएगा तो कैसा सॉल्व करने का अप्रोच रहेगा। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, जो इन्फिनिटी तक गया था, और ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है, एक लिमिट टर्म तक गया है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होगा, तब ये क्वेश्चन हम लोग कल डील करेंगे, क्लियर है। तो कल का क्लास मिस मत करिएगा, बिल्कुल टाइम में आना है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।